नमस्कार दोस्तों, मैं उदय कुशवाहा फरीदाबाद से। आप लोगों को आज बताऊंगा कि सेंटर ड्रिल ड्रिल या टैप का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। ये बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि ये सीएनसी टर्निंग सेंटर पे हम लोग जो कुछ भी ये करने वाले हैं वो सब कुछ ये सेंटर में ही होता है ना। तो जब भी हम लोगों को टैपिंग भी करनी है तो सबसे पहले आपको सेंटर ड्रिल लगाना है, फिर ड्रिल लगाना है और फिर उसके बाद टैप लगाना है। तो दोस्तों, जब हम लोग ये ड्रिलिंग टैपिंग वगैरह बनाएंगे ना, तो सबसे पहले ये देखना है कि आपको ये जो टैप है ना, ये टैप कितने का लगाना है। सपोज करिए कि अगर हम लोगों का ये जो टैप का साइज है, ये टैप का साइज जो है ये M8 है। तो अब हमें देखना है कि अगर M8 का टैप है तो कितने का ड्रिल लगेगा, समझ रहे। M8 का अगर टैप है, यहां पे अगर M8 का टैप है तो समझिए कि ये M तो मैट्रिक के लिए हो गया और 8 जो है ये माइनर डाया मेजर डाया है, जैसा कि थ्रेडिंग में होता है। तो अब जो इसका माइनर डाया होगा वही ड्रिल का डाया हमें रखना है। तो जनरली क्या है कि हमें ये मालूम रहता है कि अगर M8 का टैप है तो इसका पिच कितना होगा, है ना। ये ड्राइंग में तो कम देता है बट आपको ये साइज दे देगा M8 का टैप। तो जो इसका पिच है ना, वो आपको एक ड्रिल थ्रे टैप चार्ट आता है, मैं इस वीडियो में आपको वो दे दूंगा लास्ट में, आप उसको एक बार ध्यान से नोट भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो समझिए कि ये M8 का है तो इसकी जो पिच होती है वो जनरली 1.25 mm होता है, है ना। तो ये फिक्स है ऑलमोस्ट। अगर M6 का होगा तो उसके M6 का रहेगा अगर, तो समझिए कि उसका पिच 1 mm होगा। ऐसे ही M10 का होगा तो उसका पिच 1.5 होगा, और अगर M12 का है तो इसका पिच 1.75 होता है। ये आप कुछ के तो याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो M8 की ले लेते हैं, किसी का भी हो सकता है, प्रोग्राम ऑलमोस्ट सेम ही रहना है। तो अब ये देखें कि अगर हम लोग M8 into 1.25 की हमें टैपिंग करनी है यहाँ पे, तो सेंटर ड्रिल तो ठीक है लगा लेंगे। अब आपको ड्रिल का साइज क्या होगा, तो दोस्तों इसमें सिंपल हम लोग ड्रिल का जो साइज निकालेंगे ना, तो ड्रिल साइज इज इक्वल टू, समझे कि टैप साइज माइनस पिच कर देते हैं, तो आपका टैप साइज क्या है 8 mm। माइनस में क्या करेंगे, पिच है हमारी 1.25, तो अब 8 में से 1.25 घटा देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 7.75, नहीं 7 क्या 6.75 हो गया। अगर हम लोग 8 में से 1 घटा दें तो ये हो गया 6.75, है ना। एक बार चेक भी कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो। ये सिंपल सा है कि अगर हम लोग 8 में से 1.25 घटा दें तो ये आ गया 6.75। तो इसमें जो ड्रिल है वो हम लोग 6.75 का भी ले सकते हैं, 6.8 का भी ले सकते हैं। वो जनरली हम लोग 6.75 या 6.8 का ड्रिल ले लेंगे। तो अगर ये M8 का टैप है तो ड्रिल हम लोग सपोज करिए 6.75 का या 6.8 का ड्रिल लगाएंगे। अब दूसरी चीज क्या होती है दोस्तों, ये तो आपका ड्रिल का साइज निकल गया, उसके अलावा जो हमें इसमें ध्यान देना रहता है टैपिंग में या ड्रिलिंग में या सेंटर ड्रिल में, तो हम लोग चाहे वो सेंटर ड्रिल हो या ड्रिल हो, है ना, या टैप हो, इन तीनों में ही जो स्पिंडल की रोटेशन है ना, स्पिंडल रोटेशन, उसका जो डायरेक्शन हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज रहेगा, CCW, जो जनरली
M04 से हम लोग प्रोग्राम में बनाते हैं। तो एक तो स्पिंडल का रोटेशन इसमें काउंटर क्लॉकवाइज रहेगा, और दूसरा जो आरपीएम है ना, आरपीएम स्पेशली अगर हम लोग टैप की बात करें तो इसकी आरपीएम भी हम लोग ज्यादा नहीं रखेंगे। अगर M8 का टैप है तो हम लोग 250-300 तक लेंगे, वो ज्यादा हम लोग नहीं घुमाएंगे। और इसमें जो फीड रहेगा वो भी सेम एज पिच रहता है। पिच अगर हमारी 1.25 है, इसमें फीड भी हम लोग 1.25 का रखेंगे, ठीक है। और ये टैपिंग के लिए स्पेशली जो टैपिंग करेंगे, तो जो टैप के लिए हम लोग साइकिल यूज करेंगे ना, वो होता है G84। ये हर जगह यूज होता है, चाहे मशीन CNC हो या VMC हो, 84 में हम लोग करते हैं। दूसरी चीज और भी क्या ध्यान रखनी है कि सपोज करिए कि अगर हमें यहाँ पे टैपिंग की जो डेप्थ है ना, सपोज करिए कि यहाँ पे कुछ ऐसा हम लोगों का टैप होने के बाद ये ऐसा कुछ दिखता है, आप यूं यूं ऐसा समझ लें कि ऐसा टैपिंग अगर हमें बनाना है ना, तो ये जो टैपिंग की ये डेप्थ है कितने mm में, वो अगर सपोज करिए कि 15 mm है, तो जो ड्रिल हम करेंगे ना, तो ड्रिल का जो ये फ्लैट वाला पोर्शन है ना, ये अगर ये 15 है तो कम से कम ये फ्लैट वाला ड्रिल तो 15 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, 16 भी ले सकते हैं या 17 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो फ्लैट पोर्शन है ना ड्रिल का, अगर यहां हम देखें तो ड्रिल कुछ ऐसा होना चाहिए, ये ड्रिल ऐसा होना चाहिए, समझे। तो ये फ्लैट वाला जो पोर्शन है, ये फ्लैट ड्रिल का, वो टैपिंग की गहराई से थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, नहीं तो ये टैप जो है जैसे ये टेपर में आएगा वो टूट जाएगा। तो अब इसका अगर हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो मैं तीनों आपको बना के दिखाता हूं, पहले सेंटर ड्रिल, ड्रिल और टैप का। चलिए तो अब हम लोग इसमें N1, N2, N3 बनाएंगे। तो अगर मैं यहां पे N1 मान लीजिए ले लिया सेंटर ड्रिल के लिए, है ना, तो इसमें क्या होगा, प्रोग्राम तो सेम ही रहना है। अब इसमें N1 में G28, U0, W0, T0, 101 पहला है सेंटर ड्रिल। एक तो इसके लिए हम लोग 97 में घुमा लेंगे, और इसमें हम लोग 700-800 का भी आरपीएम ले सकते हैं, M04 ये काउंटर क्लॉकवाइज रहेगा। फिर G0X 100Z50 पे इसको ले आएंगे, उसके बाद G0X0Z में 2 पे ले आएंगे, और यहाँ पे कूलेंट को हम लोग ऑन कर लेंगे, एंड ऑफ ब्लॉक तो आपको पता ही है। तो अब ये जो सेंटर ड्रिल है ना, वो समझिए कि कुछ यहाँ पे आ गया। सेंटर ड्रिल अगर हम देखें तो सेंटर ड्रिल यहाँ पे ऐसे, ये 2 लिखने के टाइम ना ऐसा वो यहाँ आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, ये तो G01 में भी कर सकते हैं, G01Z-5 या 6 है ना, और इसमें फीड भी हम लोग 08 का दे दिया। ये क्या करेगा कि 6 mm आएगा यहाँ पे, तो ये कोशिश ये रहती है कि ये जो हल्का सा चेम्फर या टेपर टाइप का है ना, 6 mm आने पे ये कुछ ऐसा बन जाए, है ना। तो ये Z-6 जाएगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ये बना के चला जाएगा। कई बार हम लोग ये 6 को डायरेक्ट भी नहीं लेते, तो कई बार Z-2 कर लिया, फिर Z-6 कर लिया, वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मटेरियल है और इसकी लाइफ वगैरह कैसी मिल रही है, डायरेक्ट भी हम लोग लगा सकते हैं। तो ये Z-6 जाने के बाद से फिर से हम लोग G0Z में 2 लेके आ गए, और उसके बाद यहाँ पे कूलेंट को मैंने ऑफ कर दिया। फिर G0X 200
Z100 है ना, M01। तो ये करने से हमारा जो ये बीच में 6 mm डाला हम लोगों ने, तो इसमें आपका समझिए कि सेंटर ड्रिल लग करके टूल बाहर आ गया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे N2 करेंगे और N2 में हम क्या करेंगे, ड्रिलिंग। तो अब हम लोग ड्रिलिंग का प्रोग्राम में इसी को N2 कर देता हूँ। आप इसके बाद ये N2 है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये सपोज करिए हमारा N2 हो गया और यहाँ पे मैंने 2 नंबर का टूल ले लिया ड्रिल। जैसे हमें M8 क्या है तो हम लोग ड्रिल ले लेंगे, 6.75 का हमारा ड्रिल रहेगा। और ड्रिल में मैंने बताया था कि अगर मुझे 12 mm करनी है तो वो थोड़ा, या 15 करनी है तो 17 ले लेंगे। तो ये RPM तो ऑलमोस्ट सेम रख सकते हैं। और यहाँ पे ड्रिलिंग में हम लोग, एक तो साइकिल भी होता है जिसमें अगर डीप होल ड्रिलिंग है तो हम लोग साइकिल का भी यूज कर सकते हैं, G74 का, वो डीप ड्रिलिंग है तो। और नहीं तो हम लोग G01 में कर सकते हैं, या आप इसको G81 यूज कर सकते हैं, है ना, G81 जेड माइनस, मैंने इसको कर दिया 19 कर दिया या 20 कर दिया, जेड माइनस 20 कर लिया, है ना। तो 81 करने से क्या होगा कि ये 20 mm जाके ऑटोमेटिकली, ये अगर साइकिल यूज किया ना तो ये पोजिशनिंग या पार्किंग पॉइंट होगा। तो जेड माइनस 20 जाने के बाद ये अपने आप ही वापस Z2 पे आ जाएगा। आप लिख दें तो भी ठीक, नहीं लिखेंगे तो भी ये आ जाएगा। ये जेड माइनस 20 हमने क्यों ले लिया, मैंने ये मान लिया कि यहां तक तो ये 17 चाहिए था, बट Z0 हम लोगों ने चूंकि इसका लिया है तो हम जेड में माइनस की वैल्यू तो इसका देंगे, बट हम चेक कर लेंगे कि अब ये ड्रिल होने के बाद ना, ये जो ड्रिल हमने कर लिया तो इस केस में ये जो फ्लैट है ये अप्रॉक्सीमेट 17 हो जाए। अगर कम आ रहा है तो हम लोग 20 को 21 कर देंगे, ताकि जब ड्रिल होने के बाद टैप करें तो टैप इस फ्लैट एरिया से थोड़ा पहले तक ही उसका डेप्थ पूरा हो जाए, ठीक है। तो ये जेड माइनस 20 हो गया। और जब ये 81 यूज किया तो हम लोग यहाँ पे चाहें तो G80 का भी यूज कर सकते हैं इसको कैंसिल करने के लिए। तो 81 एक साइकिल है जिसमें वो एक बार में जाएगा और फिर वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का N2 में ड्रिल हो जाता है। और दोस्तों जब हम लोग N3 चलाएंगे तो उसमें भी कोई खास चेंजेज नहीं रहता है प्रोग्राम में, तो मैं इसी को N3 कर दूं, आप समझदार हैं समझ लेंगे। टूल नंबर यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया कि N3 में टूल नंबर 3 ले लिया मैंने। और अब ये RPM हम लोग कम कर लेंगे, जैसा मैंने बताया था 300। और यहाँ पे अब जी, एक तो यहाँ आके पोजीशन ले लिया सेम, यहाँ पे G84 कर देंगे और जेड माइनस मुझे जितना टाइपिंग की लेंथ ले जानी है, अगर मुझे 15 करना है ये 15 हो जाएगा। और ये जो फीड है वो जैसा मैंने बताया कि M8 में 1.25 रहेगा। तो ये 84 में ये क्या होगा दोस्तों, ये क्लॉक काउंटर क्लॉकवाइज है तो आपका जो स्पिंडल है वो काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा। जैसे ही ये Z-15 पे आएगा टैप यहाँ पे, स्पिंडल ऑटोमेटिकली ये इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ काउंटर क्लॉकवाइज है तो 15 mm जाने के बाद क्या होगा, ये क्लॉकवाइज घूमने लगेगा और टूल जिस फीड से अंदर गया था उसी फीड से बाहर आ जाएगा। तो इसमें हमारी जो टैप का साइज है वही साइज यहाँ पे बन जाता है ना। तो जब ये टैपिंग चलेगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चूड़ी आपकी बढ़िया से बन जाती है और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे फिनिश हो जाता है, M01 M30। तो ये सिंपल सा होता है टैपिंग का, है ना। इसमें ध्यान बस ये देना है कि आपका जो ड्रिल का साइज है वो टैप के हिसाब से कल
प्लेटेड होना चाहिए, नहीं तो आपका छुरी की गहराई वगैरह ठीक नहीं आती है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने ड्रिलिंग टाइपिंग का और सेंटर ड्रिल का प्रोग्राम भी हमने समझ लिया। अब कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैं एक चीज़ और भी आप लोगों से गुजारिश करूँगा। तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों के कुछ क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे भी आते हैं, फ़ोन भी लोग करते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है। तो आप लोग चाहें ना तो एक बार कमेंट्स में ही आप अपना फ़ोन नंबर और अपना नाम और कहाँ से हैं ये मुझे बता दें। तो मैं चाह रहा था कि एक ना आप लोगों का ग्रुप बना दो कि कैसे आपको ना कोई ड्राइंग भी भेजनी हो, सर इसके बारे में थोड़ा बताएं कुछ भी। तो YouTube पे तो एक लिमिटेशन है कि हम लोग कमेंट्स में कुछ अच्छा है नहीं है कुछ छोटा मोटा कर लेते हैं, बट WhatsApp पे क्या है कि आप इजीली कोई क्वेश्चंस है, कोई प्रोग्राम है, कोई ड्राइंग्स है, तो हम लोग एक YouTube पे जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका एक ग्रुप बना दूंगा और उस पर भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। और हम कोशिश ये करेंगे कि उस ग्रुप पे कोई भी ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ऐसा वैसा इस तरह का हम लोग मैसेज नहीं करें, तो आपका बड़ा ही अच्छा एक एक माध्यम हो जाएगा एक दूसरे से नॉलेज शेयर करने का। तो ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। धन्यवाद।